स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे कोरोना कंट्रोल रूम। भोपाल में स्मार्ट सिटी कार्यालय में कोरोना कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आज प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पहुंचे, जहां पर अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की तथा दिशा निर्देश दिए। वहीं पत्रकारों के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दवाई और बिस्तरों की व ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। रायसेन जिले के सांची बीयू में एक मालिक के द्वारा सैंपल लेने के मामले में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह टेस्ट नहीं कर रहा था, सैंपल ले रहा था। उनसे पूछा गया कि एक महीने से आप लापता है दमोह में चुनाव प्रचार में, क्या दमोह में कोरोना नहीं है? तो उन्होंने कहा कि दमोह भी मध्य प्रदेश में ही है, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, गाइडलाइन का पालन करते हुए काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार कोई कमी नहीं आने देगी, स्वास्थ्य के प्रति जनता के प्रति प्रदेश सरकार गंभीर रूप से काम कर रही है, सारी दवाइयां उपलब्ध हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रदेश के अंदर कौन सी महामारी के चलते स्वास्थ्य मंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और पत्रकारों के सवालों के जवाब में गोलमोल जवाब देते हुए नजर आए। प्रदेश के प्रति स्वास्थ्य मंत्री की कोरोना जैसी महामारी के प्रति कितने संवेदनशील हैं, इस बात का अंदाजा तो उनके बयान से ही लगाया जा सकता है। भोपाल से संवाददाता राजू प्रजापति की रिपोर्ट। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, पहले 179 थी, फिर उसके बाद और ज़्यादा बढ़ गई। हमने गुजरात से भी टाई अप किया है, केंद्र सरकार भारत से भी किया है, और जो हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश में भी बना रहे हैं, आपके भिलाई से भी किया है। जो लिक्विड पैलेस है, जो आईनॉक्स की है, वो पूरी तरीके से आ रही है। मैंने कल खुद जाकर सागर में वहाँ सब बातचीत की, वहाँ पूछा सभी जगहों पर ऑक्सीजन वहाँ भी अवेलेबल है। कल मैं विदिशा में भी गया, वहाँ भी सब ऑक्सीजन अवेलेबल है। रायसेन में सब जगह मैं बात कर रहा हूँ, हर जिले में। अगर देखिए ऐसा है कि रायसेन से तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें माली जो है वो टेस्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा है, लोग अगर सेवाएं दे रहे हैं जी, अगर वॉलंटियर हमारे आके अगर सहयोग कर रहे हैं तो इसमें बुराई किस बात की है भाई? माली टेस्ट थोड़ी कर रहा है भाई, टेस्ट होता है लैब में, टेस्ट होता है लैब में, सैंपल कलेक्शन की बात हो रही है। तो सैंपल ऐसा है, इसमें सारे लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है, मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि सारे धर्मगुरुओं से बात की गई है, आम नागरिकों से बात की है, और सब लोगों से कह रहे हैं कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, सब लोग सब सहयोग करो, वॉलंटियर को भी, सब लोगों को, जो कम से कम 72,000 से ज़्यादा इन्होंने 181 पे कॉल करके सेवाएं देने के लिए कहा, सारे लोग लगे हुए सर। लेकिन सर आपके सामने खड़ा हूँ मैं सर, एक महीने बाद आपके सामने नहीं, अब आप नहीं मिले, आप जब कहो तब मैं अवेलेबल हूँ सर। दमोह से लगातार मैं सब जगह नहीं, दमोह भी मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश से बाहर नहीं है, लोगों की जान पहले है। पूरी सरकार, मैं स्वयं, मुख्यमंत्री जी, पूरे अधिकारी, पूरा मंत्रिमंडल, एक एक जनप्रतिनिधि, एक एक व्यक्ति और सारे लोग इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, मेरी 4-5 कलेक्टरों से बात हुई है, कह रहे हैं एक भी इंजेक्शन नहीं है, 4-5 लोगों की हर अस्पताल में मौत हो रही है। वीडियो आपने इंजेक्शन कई जिलों में, सारे जिलों में इंजेक्शन उपलब्ध हैं, उपलब्ध सब जगह करा दिए गए हैं, मेडिकल कॉलेजों में है, डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने हैं। सर आपके सामने कॉल करते हैं सर, ना बेड मिलेगा, ना ऑक्सीजन मिलेगी, ना इंजेक्शन मिलेगा सर। आप नहीं देखिए ऐसा है, आप अपनी रिस्क पे आ जाइए, अपनी रिस्क पे आ जाइए, ऑक्सीजन नहीं है, आप खुद लेके आइए तो लगा दें। हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं शासन से कि ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है, कोई कमी नहीं आ रही है। सर ऊपर स्तर पर, जमीनी स्तर पर, जमीनी स्तर पर मैं खुद अस्पतालों में स्वयं जा रहा हूं, मैं खुद पेशेंटों से बात कर रहा हूं, अंदर है उनसे बात कर रहा हूं। आरटी 24 घंटे मुख्यमंत्री जी ने, हमने भी सब निर्देश दिए हैं कि जो भी रिपोर्ट्स हैं 24 घंटे के, मौतें 4,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं अभी तक के उसमें। कोई आंकड़े कहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ जो भी है वो सबके सामने है और सबका सहयोग आवश्यक। नहीं, शमशान घाट में तो सस्पेक्टेड केस भी है, नॉन कोविड भी है, अगर सारे आप कोविड में जोड़ोगे, जो कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोविड के द्वारा जाते हैं उसके आंकड़े सारे दिए जाते हैं। नहीं कुछ फीवर सारे 700 चेक कराइए आप, एंटीजन के लिए हाँ कर रहे हैं। आरटीपी 70% से अधिक आरटीपीसीआर केस, मान लो जो टेस्ट है वो हम लोग करा रहे हैं, और आज ही 46,000 से ज्यादा टेस्टिंग के हमारे रिजल्ट्स आए।